अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी, इसके मायने क्या है? और मैंने दूसरी तरफ को आपके नेताओं को और कुछ साधु संतों को यह कहते हुए सुना कि अयोध्या की जनता ने 550 साल बाद जो राम मंदिर बना उसको भी उसकी भी मर्यादा नहीं रखी। अच्छा, हमको सिखा रहा है ये साधु संत कह रहे हैं। देखिए, अयोध्या हारना निश्चित रूप से भावनात्मक दृष्टि से बहुत चुभने वाला है और इसके बहुत सारे टेक अवे हैं। सिंपल नहीं है, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना, अयोध्या में जितना डेवलपमेंट हुआ आनुपातिक दृष्टि से भारत के किसी शहर में पिछले 5 वर्षों में इतनी कायाकल्प नहीं हुआ होगा जितना अयोध्या में हुआ। सड़कें बनी, रेस्टोरेंट बने, दुकानें बनी, एयरपोर्ट बना, रोजगार के इतने अवसर क्रिएट हुए और भव्य राम मंदिर बना। पर यह टेक अवे बताता है, शायद यही कारण है कि 500 साल क्यों लग गए राम मंदिर को बनवाने में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। शायद यही भी एक कारण है कि दुनिया में आप कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखेंगे कि मक्का में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो इस्लाम धर्म की आलोचना करे और वेटिकन में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो क्रिश्चियनिटी की आलोचना करे और उसके बाद हंसते हुए, अट्टहास करते हुए, मजाक और व्यंग करते हुए आकर कहे। ये बहुत सारे टेक अवे हैं, ये बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। ओके, सुनील यादव, सारी बातें सोचने पे बात। सुनील यादव अरे जी, एक सेकंड विवेक जी। सुनील यादव जी, अमेश भाई मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। मैं भाजपा के बाकी लोगों में और इनमें थोड़ा सा अंतर मानता हूं। क्या? कोई फर्जी संत कह दे अयोध्या के वासियों के बारे में, कोई बीजेपी का नेता कह दे, लेकिन अब सुधांशु जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतना विद्वान आदमी, अगर ये कह दे कि गलत किया है अयोध्या के लोगों ने। देखिए, आप सब कुछ करिए अमेश भाई। नहीं, मैंने ये नहीं कहा गलत डेवलपमेंट, ये हमारे लिए झूठ बोलिए आप फर्जी बात करिए, लेकिन जानते हैं अयोध्या क्यों हारे हैं? केवल दो कारण हैं। आप भगवान राम से बड़े हो गए। एक तस्वीर आई कि मोदी जी लंबे चौड़े और छोटे कद के राम को उंगली पकड़ करके अयोध्या ला रहे हैं। क्या किसी राम भक्त को समझ में नहीं आती? एक, और दूसरी बात, इनका प्रत्याशी अयोध्या के अंदर ये कह देगा कि 400 पार करा दो हम संविधान बदल देंगे। असंभव, असंभव। इनके अहंकार को पीडीए ने हराया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हराया है और समाजवादी पार्टी ने हराया है। और अब तो समझ जाइए, अब तो जनादेश का सम्मान करिए। और जहां तक सवाल अमीश भाई सरकार का है, तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा जानकारी आपके सूत्र बताते होंगे कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या नहीं मांग रहा है, कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली सरकार का एक ऐसा इलाज किया है कि अब उस सरकार में कम से कम भय नहीं होगा, नफरत की बात नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, किसानों पर थार नहीं चढ़ेगी, किसान पर गोली नहीं चलेगी। अब तो इनको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। अभी अब पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीन सकते ये। अब पिछड़ों का आरक्षण तो बीजेपी छीन भी नहीं रही थी। पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी कब छीन रही थी? बात जहां तक 400 की बात है, नहीं पर ये तो जानकारी नहीं है। नहीं नहीं पर क्या बात कर रहे हो आप? पिछड़ों का आरक्षण कब बीजेपी ने छीना? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर 400 पार की बात थी तो बीजेपी के पास तो 400 ही थे 10 सालों में अपने अलायंस पार्टनर के साथ। अरे आप सुनिए, अरे आप सुनिए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की खबर नहीं है? अरे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, पूरा ओबीसी का आरक्षण खा गए योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब। ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। और एक बात और लास्ट में, देखिए जी जी,